गाइस वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज हम ज्योग्राफी पे पहला वीडियो डाल रहे हैं और आज इंडिया की जो जनरल फैक्ट्स हैं उन पे हम फोकस करेंगे। तो आइए पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं ज्योग्राफी का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी और उसमें फिजिकल एस्पेक्ट जो आज हम कवर करेंगे, उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है रिवर्स वगैरह और फॉरेस्ट, उसके बाद फिर माउंटेन्स और उसके बाद सॉइल्स एंड क्रॉप्स और फिर क्लाइमेट, फिर मिनरल्स जो इंडिया के पास है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे रोड्स हाईवेज, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम कवर करेंगे तो उस समय पासेस जो इंपॉर्टेंट पासेस है सी ओशन स्ट्रेट्स डेजर्ट्स माउंटेन ग्रासलैंड्स और भी कुछ टॉपिक्स। तो जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो डीप में जाकर पढ़ना है, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो जैसे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या डीएमआरसी डीडीए ऐसे एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें ये काफ़ी फ्रूटफुल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जनरल फैक्ट, तो इंडिया जो है वर्ल्ड की सेवन्थ सबसे बड़ी कंट्री है। तो जो टॉप की कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है, वो है रशिया। रशिया के बाद जो कंट्री आती है वो है कनाडा सेकंड नंबर पे। उसके बाद जो आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो फोर्थ पे है वो है चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ पे फाइनली इंडिया। और इंडिया के बाद जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की पार्ट है। ओके, तो अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो इंडिया जो है सेकंड रैंक पे है पॉपुलेशन वाइज और फर्स्ट पे चाइना है। इन द कमिंग टाइम वेरी सून इंडिया विल ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन। और इंडिया जो है वर्ल्ड की 2.4% लैंड एरिया ऑक्यूपाई करता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ। और जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की वो है गंगा। तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। और इस गंगा के पर जाने से पहले आइए आपको मैं कुछ और बात बताता हूँ। देखिए ये इंडिया का मैप, और इस पार्ट से आप हटा दीजिए, इस पार्ट को आप हटा दीजिए और इस पार्ट को हटा दीजिए, अक्साई चीन और ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो बचा इंडिया का मैप वो कुछ इस तरह से है। तो देखिए जो इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इंदिरा कोल, और ये जो पार्ट है ये टोटल लेंथ है, और जो टोटल लेंथ इंडिया की है वो है 3214 किलोमीटर। और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये गुजरात का जो पार्ट है ये पार्ट ये, और फ्रॉम वेस्ट तो ये जो पार्ट है ये है 2933 किलोमीटर्स। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं इंदिरा कोल, जो कि शियाचिन ग्लेशियर में है इंदिरा कोल। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और ये लोकेटेड है अंडमान निकोबार में और उसमें भी ये ग्रेट निकोबार्स में। तो और जब इंडिया का मेन लैंड पे आप बात करेंगे तो जो जो एरिया है जो लोकेशन है वो है तिरुवनंतपुरम। तो इंडिया का मेन लैंड का सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट तिरुवनंतपुरम है और ऐसे इंदिरा पॉइंट है। और जो ऑन द लेफ्ट साइड जो वेस्टर्न पार्ट है तो उसका जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो कहते हैं गुहार मोती, GUHARMOTI, जो कि गुजरात में पड़ता है। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कीबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इनफैक्ट ये 11,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है और लोहित डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, लोहित डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पड़ती है। तो और एक और बात, जो इंदिरा पॉइंट है उसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। ओके, तो आइए जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गंगा। तो गंगा की कुल लेंथ 2510 किलोमीटर है। और गंगा के बाद जो सबसे वॉल्यूमस नदी है जो गंगा है वो अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी से मिलके बनती है। अलकनंदा देवप्रयाग से निकलता है और भागीरथी जो है उत्तरकाशी से, और ये मिलके गंगा बनाती है। और जो वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है इंडिया की वो है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद एक और बात, जो साउथ की गंगा है जिसे कहते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वो है गोदावरी, गोदावरी। तो गोदावरी के बारे में ये देखिए निकलता है ये त्रिम्बकेश्वर से, और ये जो अरेबियन सी से यहाँ की दूरी है ये करीब 80 किलोमीटर है। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है, नासिक पास में है, और ये कहलाती है गंगा ऑफ साउथ। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नदी जो फोर्थ मेजर नदी है इंडिया की वो है कृष्णा। कृष्णा जो है वो ओरिजिनेट होती ये, और गोदावरी की जो कुल लेंथ है ये अप्रॉक्स 1465 किलोमीटर है।
और कृष्णा की जो लेंथ है वो कहते हैं 1300 to 1400 किलोमीटर है। और कृष्णा जो है फोर मेजर स्टेट्स में इरिगेशन का काम करती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, और ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसका जी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसे कहते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ये जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो कहलाती है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और फर्स्ट तो आप सबको पता होगा हिमालय हिमालय और माउंट एवरेस्ट जिसे बोलते हैं, और ग्रेटर हिमालयाज में ये पड़ते हैं। और दूसरी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक है वो काराकोरम रेंज में पड़ती है, और ये पड़ती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना के पास, जिसे कहते हैं के टू या गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है गुजरात। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे लंबा जो कोस्ट लाइन है वो है गुजरात का, गुजरात के बाद, और गुजरात की जो कुल लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। गुजरात के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो जो कोस्टल लेंथ है वो अप्रॉक्स 1076 किलोमीटर है, 1076। उसके बाद जो आता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कुल लेंथ जो है वो 974 है, 974। और उसके बाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कुल लंबाई 720 किलोमीटर। तो कम से कम ये चार आपको पता होना चाहिए। और जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का वो है तहरी डैम। तो तहरी डैम जो है भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है, 265 मीटर है, और हाईएस्ट रॉक बेस्ड डैम है ये वर्ल्ड का, रॉक बेस्ड डैम हाईएस्ट। और उसके बाद जो लॉन्गेस्ट डैम है वो है हीराकुड। हीराकुड महानदी के ऊपर है, महानदी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा, और कहते हैं इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर्स है, 4.8 किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद वाटरफॉल, जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है उसको जॉक फॉल कहते हैं। जॉक फॉल को गरसोप्पा, गरसोप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं, जो कि सारावती नदी के किनारे है। सारावती, सारावती कर्नाटक में फ्लो करती है, और इस पे एक पावर प्लांट भी बना है जिसको महात्मा गांधी के नाम पे एट्रीब्यूट किया जाता है। तो या गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं फिर इसको। तो गांधी वाटरफॉल या गरसोप्पा वाटरफॉल या जॉक फॉल, ये सारावती नदी के ऊपर है, और ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। जो वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज्यादा बारिश जहाँ होती है वो है माइसन राम। माइसन राम मेघालय में पड़ता है, मेघालय में चेरापूंजी भी पड़ती है, और कहते हैं ये खासी हिल्स जो है, गारो खासी जयंतिया, तीन हिल्स मेघालय के बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो खासी और जयंतिया और खासी हिल्स के ऊपर ये है। और कहते हैं इसकी जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 1220 सेंटीमीटर पर ईयर है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री नॉर्थ जिसको कहते हैं, और ये जो है इंडिया को पास करती है, और इंडिया को ये 8 जगहों पर काटती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा पास यहाँ से करती है, और लॉन्गेस्ट लेंथ है, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो है त्रिपुरा। तो सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर क्रॉस करती है। तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो इंडिया के देखिए 7 नेबरिंग कंट्रीज है, वो कौन कौन से, पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका है, और मालदीव है। तो मैं आपको पिक में ये दिखा सकता हूँ, तो ये देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, और इधर म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये जो है ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं। और इंडिया की जो सबसे लंबी बाउंड्री है शेयरिंग, वो है बांग्लादेश के साथ। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, तो इस पे आप कंफ्यूज नहीं होगीगा। बांग्लादेश जो है सबसे लंबी जो शेयरिंग बाउंड्री है बांग्लादेश की है। और जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन है, जो बॉर्डर है, वो है रेड क्लिफ लाइन। ओके, और रेड क्लिफ लाइन के बाद जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन जो है 1914 में बनाया गया था लॉर्ड मैकमोहन के द्वारा, और ये अरुणाचल प्रदेश के रीजन में, इनफैक्ट सर मैकमोहन ने बनाया था, ये 700 माइल्स का है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और है 24th पैरेलल, इंडिया इसे नहीं मानता है पर पाकिस्तान इसे क्लेम करता है, और ये रण ऑफ कच्छ में मौजूद है। और तो ये सब बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम पे फोकस करेंगे। सो कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस। थैंक यू वेरी मच, एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग अस।